Ashok Kumar, former Indian captain and a member of that famous 1975 World Cup winning team, says the selection of Ramandeep Singh for the upcoming Champions Trophy was correct. Ji, Ramandeep ka dobara wapas aana, kyunki maine dekha tha abhi Asia Cup ke andar bahut behtareen khel khel kar gaye hain, bade acche goal kiye hain aur karwaye hain unhone. To us khiladi ki bhi qabiliyat hai, wo jab qabiliyat hai acha khel rahe hain, umr ka taqaza na ho, फिटनेस लेवल ठीक हो तो वो फ़ायदेमंद प्लेयर है और एक अच्छा उसका सिलेक्शन हुआ है. मैं इसके लिए बिल्कुल बधाई देता हूँ उनको कि ऐसे खिलाड़ियों को टीम में रखा गया है. तो फिटनेस लेवल इस चैंपियंस ट्रॉफी में सरदारा को भी हम उसी लेवल में देख लेके चलेंगे, रमनदीप को भी लेके चलेंगे कि ये खिलाड़ी अपनी फिटनेस लेवल को बना के रखें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर प्लेयर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं. Champions Trophy, beginning on the 23rd of June in Breda, the Netherlands will see a changed men's hockey team. Forward Akashdeep Singh has been retained despite his poor performance at the Commonwealth Games held in Gold Coast, Australia. Akashdeep ka Commonwealth nahi gaya, uske liye waqai mein dukh hota hai, mujhe takleef hoti hai ki aise khiladi jo kai barson se khel rahe ho team ke liye aur unko jin par टीम का अटैक का दारुमदार हो, उनका योगदान टीम के जीत के लिए, खेल के लिए बहुत ज़रूरी है. और डेफिनेटली जैसा आपने कहा, हाँ कुछ चांसेस मिस हुए हैं जो गोल में तब्दील हो सकते थे. और मैं इस बात को ही मानता हूँ कि हर खिलाड़ी के रूप में कोई भी टीम हो, 70-80% तो टीमें अपने जो उनका एक इम्पैक्ट होता है उससे खेलती हैं और इसी तरह खिलाड़ी भी खेलता है. और 20-30% किस्मत होती है, लक होता है. कोई बॉलें ऐसी गोल में चली जाती हैं जो अनहोनी टाइप की होती हैं, कुछ बॉलें बिल्कुल श्योर होती हैं वो गोल में नहीं जा पाती हैं, गोल नहीं हो पाता है. तो ये कुछ ऐसा होता है. तो हम इस बात को भी मान के चलें कि एक 70-80% अगर प्लेयर खेलता है उसमें 10-20% हमको किस्मत, भाग्य, लक इनका भी एक होता है. और पिछले टूर्नामेंट्स में आकाशदीप का कुछ ऐसे मौके पर गोल मिस होना जब हम बराबरी कर सकते थे या जीत सकते थे, तो वो एक ज़रा सी बात का चोट थी भी कि ऐसे मौके पर गोल में सोना किसी खिलाड़ी से जो श्योर हो. तो टीमें जब जीतती हैं और बराबरी की टीमें खेल रही हों तो उसमें ऐसे मौके पर अगर हम गोल ना बना सकें, गोल ना कर सकें, तो डेफिनेटली एक हार ही हमारे सामने मिलती है. और जिसकी वजह थी कॉमनवेल्थ में हमको कई ऐसी मौके पर हार मिली जो हमको नहीं मिलनी चाहिए थी. The former hockey great added that India will make only a few changes before the Asian Games and the World Cup in the later part of the year. अब मैं समझता हूँ इसके बाद अगर changes होंगे, या तो कोई injuries ना करे, ईश्वर ना करे कि injuries हो, या changes हो तो एक या दो ही हो सकते हैं. इसके बाद इस team में changes की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारे सामने लगातार बड़े बड़े competitions हैं और उन कंपटीशंस के अंदर अपने देश को विजयी कराना, अच्छा खेलना, टीम के एकजुटता, जो एक बरस पहले इस टीम ने दिखाई थी एकजुटता, उसको दोबारा हासिल करना और खेलना, तो ये टीम कई टूर्नामेंट्स हमारे जीत सकती है और हम अच्छे पोजीशन पर अपनी टीम को ला सकते हैं. On newly appointed coach Harindra Singh, Ashok Kumar said the former women's coach has the ability and the mental makeup to deliver. Unko apne upar bharosa rakhne ki zarurat hai sabse pehle ki wo jo bhi kaam kare, jo bhi changes kare, jo bhi khiladiyon ko mauka de khelne ka, to wo apne bharose par de, apne tajurbe par de, kyunki ab hum kahin bhi prayog nahi kar sakte hain. Ab humko to फाइनल टच देना है और फाइनल टच देने वाला कोच होता है. और मुझे उम्मीद है हरिंदर सिंह के अंदर वो काबिलियत है. वो खिलाड़ी के साथ बहुत एक कोच के रूप में और खिलाड़ी के रूप में खुद भी खेलते रहे, तो उनका एक इंटरेक्शन, उनका तालमेल बहुत अच्छा है और टीम को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ. और ये भी उम्मीद करता हूँ कि टीम जो अब खेलेगी इसके बाद एक वाकई में इंडिया की बेस्ट टीम के रूप में खेलेगी और इसका रिजल्ट हमको आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद वर्ल्ड कप में और जो टूर्नामेंट्स है उसमें हमको मिलेगा.